पटना स्थित राजद कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह सहित तमाम नेताओं ने उनके विचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान नेताओं ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि लोग भ्रम के शिकार हैं कि राजद ने उनका मोह भंग हो गया। तात्पर्य उनका राजद से मोह भंग नहीं हुआ था, वो तपस्वी थे। उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू को शायद अनुभव हो गया था कि उनका अंत समय आ गया है और वो अब राजद का साथ नहीं दे पाएंगे, इसलिए ऐसा ही उन्होंने लालू प्रसाद को चिट्ठी में भी लिखा था। लोगों को सिर्फ दुष्प्रचार ही था क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह कभी भी राजद और समाजवादी आंदोलन से अलग नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि आज भी राजद उनके बताए रास्ते पर चल रहा है और गरीबों की लड़ाई को लड़ रहा है। हम उनके काम को और आगे ले जाएंगे। कभी भी समाजवाद से उनका दिलगांव नहीं हुआ। ये भ्रम के शिकार वे लोग हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में कोई राजद से उन्होंने इस्तीफा किया। वह एक तपस्वी थे, उनको लगता था कि मेरे जीवन का अंत आ चुका है, ना ही उन्होंने लिखा कि शायद अब लालू जी मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा और उसके बाद ही दुनिया से प्रस्थान करते। अलग है कि चाहे जिन लोगों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किए उन लोगों के दुष्परिणाम दुष्प्रचार से जो भी निकला हो, लेकिन कभी भी रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी आंदोलन सभी प्रसून ठाकुर के बताए हुए रास्ते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का व्यवस्था सिद्धांत उससे अलग नहीं हुए और आज भी उसी रास्ते पर अपने उनके जितने भी साथी हैं उसी समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई दिनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह एक व्यक्ति भी थे लेकिन समाजवादी आंदोलन के नायक भी थे और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक भी थे। आज के दिन हम सब उनकी प्रतिमा नहीं उनके चरित्र के सामने उन्होंने आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और जहाँ भी हों उन्हें हम विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी जिस रास्ते से आपका भटकाव नहीं हुआ उस रास्ते से कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथियों में कोई भटकाव नहीं आएगा। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बेरोजगार। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।